कुछ भी तारीफ करूं वो एक टिपिकल अल्फाज है ना, कुछ भी तारीफ करूं अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए अभी कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तो गज़ल या मौसिकी से सच नहीं है। अब आपका ताल्लुक तो बिल्कुल डिज़ाइनिंग फील्ड से है, कपड़े डिज़ाइन करती हैं आप, मगर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस महफिल में आज आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी गज़लों की तो तारीफ मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी गज़लें गाते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। वही मेरी वाली बात आ गई। बिल्कुल मेरे पास मौसिकी से वैसे आपको बहुत लगाव है। बहुत ज़्यादा। और किस किस्म का म्यूजिक ज़्यादा सुनती हैं? गज़ल ज़्यादा एंजॉय करती हैं और बड़ा एंजॉय करती हूँ इसको। आपके घर में होती है फैमिली गैदरिंग गज़ल्स वगैरह? बिल्कुल होती है। अब भी? बिल्कुल अभी तक होती है। और जब आप छोटी थी तो आपकी फैमिलीज में हुआ करती थी, कौन सा ऐसा घर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप जाती थी गज़ल की गैदरिंग के लिए? फैमिली में तो काफ़ी लोग करते थे, मतलब हमारी फैमिली शौकीन है इन चीज़ों की जी, तो इसलिए मुझे भी शायद इसीलिए शौक भी था और अभी तक भी है। क्या बात है। खलील हैदर साहब आप क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह गुलाम बास भाई जान इतना कमाल का गाते हैं कि सचमुच ये लगता है कि मेहदी सुनहा साहब के सही शागिर्द जैसे उनको होना चाहिए। सही बात। तो उसका हक अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो इनके उस्ताद जी तो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद मानता हूँ, मैं बाकायदा शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन जब से हमने होश संभाला इस म्यूज़िक में तो मेहदी सुनहा साहब जैसे लेजेंड फनकार को ही हमने सुना, तो अल्लाह उनको गरीके रहमत करे वो हमारे दरमियान नहीं, तो अब उनकी जगह गुलाम बास जैसे फनकार मंझे हुए ये हमारे लिए मशले रहा है, तो हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्या बात है जी। आसिम साहब आप क्या कहेंगे आज की महफिल में? बहुत लेट हो गया, अल्लाह खैर करे, शायद प्रोग्राम पता नहीं खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम लाइव जा रहे हैं जी। लाइव जा रहे हैं तो क्या बात है, मैं कौन सा यहाँ पे मकसद रेडी ले आया हूँ। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र आप सही सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड मैं इधर आपने बातचीत बढ़ा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। आप खवातीन में इस कदर बिल्कुल घूम बैठे हैं या मुझे रखे या अपने सर पे बैठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शो हाईजैक हो गया, पहले बता दिया मैंने, मेरा शो हाईजैक हो गया। वही फिजा देखे आपने मुझे कहा था शो होने वाला है। अब बोले अब बोले सर कैसे हैं आप जी? मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरा तारुफ नहीं करवाया, ये होती है बात। कौन है आप? मैं सर आने वाले दिनों का एक छोटा सा फनकार हूँ, मेरा तारुफ करवाए ना। सिंगर तो नहीं है आप? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ना सिंगर हूँ ना कुछ सिलाई मशीन हूँ। मैं असल में इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे सारे आर्टिस्ट प्रोड्यूसर आएंगे। गाना खराब करने किसने हक दिया? नहीं नहीं गाना अभी मैंने खराब नहीं किया। जी आप क्या बात किया तो आपने? मैं यार आप बात समझ के चढ़ रहे हैं ऊपर। एक सेकंड आप बस नहीं है वो मेरा चंदा मांग रहे हैं आप। मेरा शो खराब शो हो रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं? शो हो रहा है भाई, माइक लीजिए बोलिए जरा। अरे अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, क्या हाल है जी? हमें आप बोलिए समझाइए। इसका कोई मामला तय हुआ कि नहीं? हो गया तो मेरा आप समझाएं जरा। तो मैं क्या है ठीक है यार, उनका शो है ईद का शो है, ईद है आज। शो मैं केड़ा थे टोया कटन डे आज में मैं भी बात करूं। मैडम आप किसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुझे फिजा ने कहा था कि आप यहाँ, मैं वैसे मैं एक छोटा सा फनकार हूँ। यार क्यों बार बार कह रहे हैं? छोटे से फनकार है, बड़े कब होंगे जी? मैं इंशाल्लाह 2013 तक बड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे मेरे आप तारीफ तो करवाए ना। मुस्तफा कुरैशी साहब बैठे हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं परवेज कलीम साहब को भी जानता हूँ। मुस्तफा कुरैशी साहब एक बार इनको कह दें नवा है सोनिया, मतलब नहीं ये बड़ा होने ही के लिए तो यहाँ आए। नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना चाह रहा हूँ क्योंकि जितने रोल इन्होंने किए हैं मुझे एकदम कहीं बड़ा ना कर दें। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह हूँ? नाम है पर रिक्शे का किराया ना वैगन का किराया। रिक्शे पे आ जाओ। रिक्शे पे नहीं, कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं कि उस फनकार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आप में नहीं है जी। जी मैं तो इस बात को मानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। यार शो इतना अच्छा जा रहा था, आते ही उसकी नबज ही पकड़ ली। क्या बात है। एक सेकंड आप दिल की बात बोले जरा। ईद वाले दिन भी आप ले लेकर यार पहन के आ गए ना कर कुछ खुदा का हाँ करें कुछ भी। ईद वाले दिन पैंट शर्ट स्कूल वाली पाई है।
बदतमीज यूनिफॉर्म को आगे ला एक गरीब आदमी ईद है बेटे ईद है एक गरीब आदमी वो केड़ा तू गरीब है छोड़ो हमारा शो खराब लोग कुर्ते पे बटन लगाते हैं आपने बिस्कुट लगाए आई लव यू आप भी दे दो यार कुछ दे दो कुछ दो यार कश्मीरी है ना खाने पीने गए रस्सियां खोली जान दे यार कौन लोग अच्छा इसमें थोड़े से पट्टे डाल ले नहीं यार सानू रोटी मिली है सी बांदर तुम अपनी सुनाओ बांदर तो मैंने देखे ये बड़ा बांदर विद्वानस नहीं देखे कभी अच्छा बात ये है कि फनकार बनना चाहते हैं मुझे 45 साल हो गए हैं इस दश्त में जी आज तक मैं फनकार नहीं बन सका तो आप कहते हैं कि अभी अभी फनकार बन जाए इसका मतलब फिर मैं ना ही समझा नहीं इन्हें अपने कुछ भी इसे कहें हनियों को कि अपना तुम यूं करो पैदल आया जाया करो हाँ पैदल आया जाया करो और कम से कम ये कोई अपना कोई लक्ष्मी चौक साल का एक प्रोसीजर है उसके बाद मुझे आदत पड़ जाए बिल्कुल सही से मतलब है कि मैं फिर ना ही समझू जमशेद साहब आप कुछ नहीं कहेंगे मुझे धोखा दिया था कहा तुम सबको आइसक्रीम खिलाओ तुम्हें चांस दिलवाऊंगी मैं आइसक्रीम लेके ले आओ भाई कहीं बाहर ही ना खत्म हो जाए बदामी की तुफान इधर आयो भाई मजा बदामी है भाई आज जो है वॉल्स बदामी की तरफ से महफिल सजाई डब्बा नाम भी लगा सलमान गौरी साहब ने सजाया है अच्छा क्या बात है जी सलमान साहब आपकी सलमान साहब इनको भगाए इतना खूबसूरत सेट लगाया आपने यहाँ पे ये सलमान साहब ये सेट आपने लगाया गहन कहाँ से आ गए वेरी गुड तो मैं मेरे बारे में कुछ सोचे सलमान साहब अब देखिए सलमान साहब मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपने यहाँ पे बदामी है आओ बदामी सलमान साहब आपने यहाँ पे तो खूबसूरत तंबू लगाए ये बम्बू कहाँ से आ गया